कुमार और आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डैन खाए जात है। यह सिर्फ पंक्ति नहीं है, सिर्फ गीत की पंक्ति नहीं है, यह आज ढेर सारे परिवार की एक समस्या है। आज मैं हूँ बीरपुर प्रखंड के बीरपुर बाजार में विश्वकर्मा चौक, और यहाँ पर आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे दुकानदारों से। आप जब भी बाजार जाते होंगे तो ठेले पर जब भी चाट खाने का मन हुआ तो आप खा लेते हैं, लेकिन उस चाट बेचने वाले की क्या समस्या है, आइए आज हम बीरपुर बाजार में हम उन दुकानदारों से जानेंगे जो रेड़ी पर चाट समोसा लिट्टी पकौड़ी बेचने का काम करते हैं। कोरोना के बाद उनकी क्या स्थिति है और किस तरह से लगातार बढ़ती महंगाई से वो परेशान है, आइए सीधे सीधे हम उनसे ही बात करते हैं। महंगाई को लेकर है, अभी एक रुपया बचना मुश्किल हो रहा है, इतना महंगाई बढ़ गया है। अभी जो कि दो महीना पहले रिफाइंड लेते थे 1200 रुपया में, अभी उसका रेट 2100 रुपया है। एक रुपया नहीं बच रहा, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। कोरोना कारण में उसमें हम कर्ज लेकर किसी तरह पालन पोषण किए बाल बच्चे को, अभी एक रुपया बचना मुश्किल हो रहा है, क्या करें। बाहर से आए उम्मीद लेकर जो गांव में घर परिवार किसी तरह चलाएंगे, लेकिन यह भी मुश्किल हो रहा है चलाना। पर नीरज जी के जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर काम करते थे परिवार से दूर, और जब वे प्रदेश से वापस अपने देश अपने गांव आए इस उम्मीद के साथ कि गांव में अपना पेट भरेंगे और परिवार के साथ रहकर जीवन यापन करेंगे, लेकिन कोरोना ने बढ़ती कोरोना के कारण इन लोगों का बिजनेस पूरी तरह चौपट हो गया था। परिवार किसी तरह कर्ज लेकर ये चला रहे थे, लेकिन अभी ये स्थिति यह है जो एक रुपया बचता भी नहीं है, परिवार चलाना मुश्किल है। पिछले दो महीने में गैस का दाम बताइए क्या। दो महीना पहले हम लोग लेते थे 1200 करीब 1200 कुछ रुपया में कॉमर्शियल गैस उठाते हैं, और उसी का रेट अभी 1800 रुपया हो गया है। और रिफाइन लेते थे हम 1240 में, अभी उसी का रेट 2150 हो गया है। बताइए, जो 100-200 रुपया बच जाता था इससे पहले दो महीना पहले, वही बचना मुश्किल हो रहा है अभी। ये दो महीना पहले 1200 रुपये में खरीदते थे, वो आज 1800 में मिल रहा है। रिफाइन का दाम भी यही स्थिति है, लगभग दुगुनी दाम पर सारे सामान पहुंच चुके हैं। लेकिन नीरज करे भी तो क्या करे, क्योंकि एक जनता है बेबस जनता और महंगाई से परेशान। आइए हम दूसरे दुकानदार से बात करते हैं और उनकी स्थिति को समझने का प्रयास। भाई पहले थे हम लेते थे 1240 पे हम रिफाइन, अभी सर 2100 रिफाइन हो गया है। हम लोग ठेला पर काम करते हैं, बाल बच्चा है 3 गो, हम लोग के जीना मुश्किल है। हम सामान का रेट बढ़ाते हैं, कैसे कहाँ कस्टमर भाग जाता है, हम लोग के कैसे करेंगे। कोरोना के किस साल में हम लोग गुजरे, बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं, यही समस्या है। ये है राजकुमार जी और ये हरिओम चाट हाउस चलाते हैं। कोरोना काल ने इनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, उसके बाद बढ़ती महंगाई से ये परेशान है, परिवार चलना मुश्किल है। बेचारे करे भी तो करे क्या, सिर्फ और सिर्फ उम्मीद ताकि गैस का दाम कम हो, रिफाइन का दाम कम हो और इसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आए, इसी उम्मीद में ये अपने जीवन को किसी तरह जी रहे हैं। मोदी जी ने जनता से वादा किया था अच्छे दिन आएंगे, और जब युवाओं ने उनसे रोजगार की मांग की तो उन्होंने कहा था पकौड़ा बेचना भी एक प्रकार का रोजगार है, लेकिन देखिए उसी पकौड़े बेचने वाले की स्थिति, उसे चाट बेचने वाले की स्थिति क्या है। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं और जानना चाहेंगे जो वह पकौड़ा बेचकर भी क्या अपनी जिंदगी को सही से जी पा रहा है। पानी बढ़ गया है, तेल बढ़ गया है, सब चीज बढ़ा हुआ है। हम लोग गरीब दुखिया है, फुटपाथ पे दुकानदार करते हैं, ये सब समस्या है। तो क्या ये बेचकर आपका परिवार सही से चल रहा है। साइज तो नहीं, जितना गुजारा हो रहा है उतना गुजारा हम कर रहे हैं। दिल्ली के मशहूर फास्ट फूड चलाते हैं और ये पहले से दिल्ली में काम किया करते थे, उम्मीद लेकर आए कि गांव में जाकर फास्ट फूड का दुकान चलाएंगे, जीवन चल जाएगा। आइए इनसे बात करते हैं, महंगाई ने इसे इन्हें कितना मारा है, आइए। मैं सोनू कुमार अपना दुकान स्वयं चलाता हूँ,
और ये लॉकडाउन के वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत आ रही है। घर नहीं चल रहा है, परिवार बच्चे नहीं पाले जा रहे हैं, बहुत दिक्कत से बहुत कठिनाई से चलना पड़ रहा है। 6 महीने 7 महीना दुकान बंद रही, हम लोग किस हालत से गुजरे हैं वो हम जान रहे हैं जी। लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं हुई। हम लोग किसी तरह अपना ये जिंदगी को झेल रहे हैं, इस तरह से चल रही है। तो अभी जो 2 महीने में महंगाई बढ़ी है, गैस आप पहले 2 महीना पहले कितना में खरीदते थे? 700 रुपये 675 रुपये का। अब कितना में खरीदते? अब हो गया 1000 रुपये 1000 रुपये 300 रुपये मैंने हर 15 दिन में बढ़ रहा है। कमर्शियल कितना में खरीदते थे? कमर्शियल लाते थे जी सर। कितना में ला रहे अभी? दे रहे हैं सर 2100 का। तेल का क्या दाम? तेल का बहुत हाई रेट है। परिवार चला पा रहे हैं?